देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेट कर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं।